आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ फ्रेश गौरी। छत्तीसगढ़ में भूपेश्वर सरकार ने पहले गौठान में आने वाली गायों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने की व्यवस्था की थी, वहीं अब वो गौ पालकों से गोबर भी खरीदेगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या गौठान में गोबर पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा था? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि गौठान में गाय नहीं आ रही थी। बता दें कि सरकार ने इसके पहले रोका छेका अभियान चलाकर गायों की गौठान उनको पहुंचाया, वहीं अब जब गोबर खरीदने की बात कही है तो ऐसे में दोनों फैसलों को संकेत की तरह लेते हुए मान लिए जाए कि गौठान गावों के स्मारक बनकर रह गए हैं। आज इन सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश की भी, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने हुंकार भरना शुरू कर दी है। सियासी बिसात पर मोहरे बिछाए जाने लगे हैं, हालांकि अभी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बात सत्ता की है और ऐसे में दोनों दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं, लिहाजा राजनीतिक जोर आजमाइश भी अब तेज हो रही है। बीजेपी कांग्रेस उपचुनाव में लगातार जीत का दाव भी कर रही है, हालांकि ये अभी सत्ता के संग्राम की शुरुआत भर है। राजनीति का रोमांच तो अब अपने चरम पर होगा जब उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और योद्धा तय हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहीं की मौजूदा स्थिति क्या है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है, क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, ये लगातार हम आपको बताते रहे हैं। और आज बात होगी अशोकनगर विधानसभा सीट की, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां अन्नदाताओं को आस है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के मकसद से छत्तीसगढ़ सरकार गौधन न्याय योजना शुरू करने जा रही है और इसी योजना के तहत गौ पालकों से सरकार उचित कीमत पर गोबर भी खरीदेगी और खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से शहर और ग्रामीण इलाकों की कई समस्याओं का समाधान होगा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से सुधार आएगा। सरकार के इसी दावे पर चर्चा शुरू करें, चलिए उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार अब गोपालकों से गोबर खरीदेगी, इसका इस्तेमाल गोठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाएगा। गोबर खरीदने के लिए सरकार ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है, जो ये फैसला करेगी कि गोबर को कैसे खरीदा जाए, कैसे उसका प्रबंधन होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जो इसके वित्तीय प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट को किसानों को बेचा जाएगा, इसके अलावा बाकी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल वन विभाग और उद्यान की विभाग में होगा। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक गोबर प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की पहली सरकार है, जो चाहती है कि प्रदेश जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े और फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो। जब गोबर से पैसा मिलने लगेगा तो मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में एक भी पशु आवारा होगा, वो सबके मालिक मिल जाएंगे। और यदि शहरों में भी घूम रहे हैं उसके लिए भी नगरी प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है, गोबर नगरी प्रशासन भी खरीदेंगे, उसे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उससे भी पैसा कमाया जाएगा। सरकार के तमाम दावों को लेकर विपक्ष ने उस पर हमला बोला है। बीजेपी के मुताबिक सरकार केवल योजना बनाकर पापाई लूटने की कोशिश कर रही है, जबकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। गोठान और रोका छेका जैसी योजनाएं धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। सरकार पिछले डेढ़ वर्षों में केवल योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। एक योजना को प्रारंभ करें, उसको मूर्त रूप दें, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिले, गौ उत्पादकों को मिले, तो गोबर उत्पादक है उनको मिले।
बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच इस बात को स्वीकार करना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये महत्वपूर्ण और दूरगामी योजना है, लेकिन इसका क्रियान्वयन सरकार की मंशा के अनुरूप हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अन्नदाताओं को आज के इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला। शुक्ला साहब, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हैं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू। चंद्रशेखर साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल जी, बघेल साहब आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और भोपाल स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चंद्रशेखर साहू जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि एक अच्छी योजना की शुरुआत हो रही है, फिर उसमें इस तरह की जिस तरह से जो राजनीति हो रही है वो राजनीति करना कितना जायज है? शुरुआत तो कहीं ना कहीं कहीं से करनी ही होगी, क्योंकि सड़कों पर अन्ना पशु घूमते रहते हैं, उनकी मौत हो जाती है और कई दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिसकी वजह से इंसानों की भी जान चली जाती है। अगर शुरुआत हो रही है तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। जी देखिए, जहाँ तक योजना का लक्ष्य की बात है और विषय की बात है, तो निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग हैं, क्योंकि हम तो जन्मना कर्मना कृषि से जुड़े हैं और वहाँ की समस्याओं से वाकिफ हैं। लेकिन जो ग्रामीण प्रबंधन है, जिसमें मवेशी के चारा के साथ साथ उसका और रख रखाव, अब जो कोठी कोठा कोठार होता था पहले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमारा कोठार होता था, वो आज हमारे पास नहीं है। हम कहाँ ले जाएं? कोठा नहीं है हमारे पास और हम ठीक से उसको कैसे व्यवस्थित करें? तो इसको समग्र रूप से बनाने की जरूरत है। यदि आप पार्ट पार्ट में बनाएंगे, पार्ट पार्ट में देखेंगे, तो उसका जो एक परिणाम है जो सामने दिखना चाहिए, जो अपना लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, हम भी सहमत है ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूती आनी चाहिए। ये जो हमारे सामने समस्या है पशुओं के एक प्रकार से आवारा रूप में घूमने का, इसका भी निदान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक व्यापक वातावरण बनाने की जरूरत है। और ये दावा यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो मैं एक उसमें जानकारी जोड़ना चाहता हूँ कि इसके पहले उत्तराखंड ने बनाया। मैं तो कृषि मंत्रालय के समय जब मुझे दायित्व मिला था, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में मैं था वहां पर सदस्य के रूप में, तो हमने एक अध्ययन कराया था। तो उत्तराखंड में पहले से पंचगव्य को सरकारी शासकीय खरीद के रूप में शामिल किया था। अब देखिए, पंचगव्य गोधन का जब सवाल होता है, तो मैं आपको फिर से उसमें जिक्र करना चाहूंगा, गोधन में केवल गोबर नहीं है, गोधन में गोमय है, जिसको गोमूत्र कहते हैं, द्रित है, दही है और दूध तो है ही। तो ये पंचगव्य का पूरे समाज में और पूरे मानव समूह के लिए जिस प्रकार से उपयोग है, उसकी उपयोगिता के लिए एक विज्ञान है। हमारे पास जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो पहला राज्य उत्तराखंड है जिससे हमने अध्ययन कराया था, और उसके बाद जो हम कामधेनु विश्वविद्यालय अपने समय स्थापित किए थे, उसमें एक पंचगव्य का अलग से R&D सेक्टर, पंचगव्य का एक अध्ययन केंद्र, और उसमें हम लगातार ये बात कर रहे थे। रही बात वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसको बांटने की, तो उसमें आप व्यापक सहमति बनाइए, जो हमारा एक कुल मिला के तालमेल है, हमारी स्थानीय संस्था, हमारे कृषक समूह, ग्राम पंचायत, और फिर आप जिस प्रकार से सब कमेटी बनाए हुए हैं, मंत्री समूह, मंत्री परिषद की सब कमेटी के अलावा आपके अधिकारी हैं, इसमें यदि विशेषज्ञ लोग जुड़े हैं, गांव के लोग जुड़े हैं, जो इस विषय को सोचते हैं समझते हैं, उनको यदि आप इस मामले में जोड़ेंगे, तो वो एक अलग आपके सामने ताना बाना खड़ा होगा। उसका जो मैकेनिज्म है, मेरा कहने का आशय यह है, वो मैकेनिज्म जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत से जुड़ा होना चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है। और रही बात हमारे यहाँ गोवंश का, तो मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूँ, जो पशु संगणना हुआ है, राष्ट्रीय पशु संगणना,
हम अभी जब उस समय 2012 में देख रहे थे लगभग 90 लाख गोवंशी पशु था, आज वो घट के हमारे पास करीबन करीबन 71 लाख हो गया है। तो हमारे पास जब 9 लाख और उससे ऊपर है हम गोवंश का यदि नस्ल हमारा घट रहा है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें इस मामले में समग्र रूप से देखने की जरूरत है, ऐसा मेरा कहना है। और इसीलिए सरकार भी सहमत होगा इस बात से कि हम पशु जनगणना के आंकड़े देखें और उसके बाद फिर हम अपने बातों को विस्तार करें और लोगों की जो इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी है, अच्छी बात है, इसमें लक्ष्यगत किया गया है कि लोग अपना पशु को फिर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुल मिला के हमारी अपनी व्यापक सहमति और व्यापक आम सहमति ये दोनों जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी जो विषय आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। जी चंद्रशेखर शुक्ला जी, नरवा गरवा घुरुवा बारी योजना, फिर उसके बाद अच्छी चीज है किसान न्याय योजना, रोका छेका अभियान, गौठानों के तहत गायों को संरक्षित करना कि कोई मवेशी पशु इधर उधर ना हो, बेवजह काल के गाल में ना समाये, और जिस तरह से अब इसकी शुरुआत की गई है एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे एक संदेश ये भी तो साफ जा रहा है कि गौठानों में या तो फिर उतनी गाय उपलब्ध नहीं है आपके पास कि उतना गोबर तमाम चीजें निकल सके, और जिसका वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाने को लेकर अब ये जो नई योजना की शुरुआत की जा रही है वो उसको मूल रूप दिया जा सके। योजनाएं तमाम हैं, इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र यहाँ पे साहू जी भी कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी है, तो क्या ये फेल्योर ही है जिस वजह से एक और नई योजना को ले आया गया? देखिए गौरी जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूँ कि नरवा गरवा घुरवा योजना असफल हो गई है। ये नरवा गरवा घुरवा योजना का ही एक विस्तृत कार्य प्रणाली है। जब हमने लॉन्च किया था नरवा गरवा योजना, सुनिए आपने कहा मैंने सुना, गौरी जी जब आपने कहा मैंने सुना पूरा शांतिपूर्वक, अब एड ऑन करना चाहूंगी, आप ही बोल लीजिए फिर मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं नहीं, अब आप बोल लीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आप पहले बोल लीजिए, सारे प्रश्न कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि मैंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये फेलियर तो नहीं है कि कहीं ना कहीं इन गौठानों में गायों की कमी है या उतनी गाय नहीं है जितनी अपेक्षा की जा रही थी, जिसकी वजह से आपको ये भी इस योजना को भी लाना पड़ा। अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई होगी। जी 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 हाँ गौरी जी, मैं बोल लूँ जी, गौरी जी मैं बोलूँ जी 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 बिल्कुल जी। देखिए नरवा गरवा घुरवा बारी के जब कॉन्सेप्ट लाया गया था तो उस समय ही यह तय हो गया था, हमने विपक्ष में रहते योजना लाई थी और हमने एक विस्तृत कार्य प्रणाली बनाई थी, उसमें पूरा सिलसिलेवार तय था कि गांव के नाले नालों को संरक्षित करना, गौठान को संरक्षित करना, गरवा और घुरवा, घुरवा ही कॉन्सेप्ट था, घुरवा से वर्मी कंपोस्ट बनाना हमारे पूरे सारे सब्जेक्ट में शामिल था। उसी के तहत आज प्रदेश में 2240 गौठान बने, जब गौठान बन गए वहाँ पशुधन इकट्ठा हो गया, पशु आ गए, उनको सुरक्षित करने का उपाय हो गया। हमारे गौठान 2240 बन चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 2-3 महीना में हमारी संख्या बढ़ के 5,000 हो जाएगी। चंद्रशेखर भैया ने पूछा जमीन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि गौठान समूह के नाम से और चारा के नाम से 10-10 एकड़ जमीन सभी गांव में संरक्षित कर लिया गया है, मतलब 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पूरे प्रदेश में हमने गौधन के नाम से संरक्षित कर ली है। इसके दूसरे फायदे ये होंगे कि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब समझे तो हर व्यक्ति अपने गाँव के सामने, अपने घर के सामने एक घुरवा बनाया करता था। घुरवा वो होता था जिसमें गोबर खातु रखता था और गोबर खातु को खेत में खाद के रूप में यूज करता था। आर्थिक उदारीकरण के दौर में 90 के बाद डीएपी, एनपीके, सुपर फास्फेट, यूरिया, ये सब चीज लॉन्चिंग हुई। उसके पूर्व किसान जो खेती करता था गोबर खातु से ही करता था। अभी आपने देखा होगा एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है फैशन कि बड़े बड़े स्टोर और दुकान में लिखे रहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है वो जैविक खाद से बना है, बगैर खाद के बना है, और उसकी कीमतें थोड़ी ज्यादा होती हैं।
तो यही जो चीज है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया और ये कोई नई चीज नहीं है, पूरे देश में पहली बार जरूर हो रहा है, लेकिन ये गांधी जी के जो अर्थव्यवस्था थी ग्राम स्वराज उसमें इस कॉन्सेप्ट का पूरा क्लियर था। और मैं आभारी हूँ चंद्रशेखर भैया का, चंद्रशेखर साहू जी का, जिन्होंने इस योजना की तारीफ भी की, इससे सम्मिलित होने की बात भी की। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि वह सरकार के साथ जुड़ती अभिनव योजना में शामिल हो और इसमें शामिल होकर कहीं कुछ 19-20 कमी लग रहा है तो उसको दुरुस्त करें, इस योजना को सफल करें, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष तौर पर गांव में रोजगार मिल रहा है, गांव में किसानों को रोजगार मिल रहा है। हर व्यक्ति को मैं आपको बता दूं कि जिसके पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है और यदि 2-3 छोटी छोटी गाय हैं और यदि वो 10 किलो खाद भी बेचता है वो, और उस खाद को हम 5-8 रुपए के भाव में भी खरीदते हैं, तो महीने के आखिरी को 300 किलो होगा और उसको महीना 2000 मिलेगा। और ये 2000 रुपए वो 2000 है जो प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना से लगभग 4 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6000 मिलता है साल का, उससे 4 गुना ज्यादा है। तो ये एक बड़ी चीज है और इस चीज में शामिल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब गांव में पैसा आएगा, किसान के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा अल्टीमेटली शहर में आता है, व्यापारियों आता है। एक सुखद योजना है और इससे महिला समूह को रोजगार मिलेगा। शुरू में कुछ पैसा सरकार को लगाना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन ये सफल हो गई हमारी योजना, उस दिन पंचायतें आत्मनिर्भर हो जाएंगी, महिला समूह आत्मनिर्भर हो जाएंगी और सरकार को पैसा नहीं लगेगा, बल्कि सरकार को वहां से पैसा मिलने लगेगा। अभी गोठान समूह को हमने 40-40 हजार रुपए जारी किया है, इसके अलावा जो नए गोठान बनाए उसका भी हमने प्रस्ताव कर दिया है। सारे पंचायतों को आदेश दे दिया कि आप गोठान निर्माण कराएं, गांवों को संरक्षित करें। इससे फायदा ये होगा कि गाय घर में लोग अपनी गाय को बांधने लगेंगे, गाय को अपने पास रखने लगेंगे। अभी क्या होता है कि गांव के लोग बछड़ू को बांध लेते हैं, गाय 2-3 टाइम दूध पिलाने आती तो उसके दूध को दूह लेते हैं और उसको बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन इस योजना के बाद अब लोग गाय को घर में रखेंगे, जिससे आवारा पशु, देखिए कोई भी पशु आवारा नहीं है, वो पशु घरेलू होती है लेकिन उनको लोग छोड़ देते हैं सड़कों में क्योंकि घर में रखने की जगह नहीं है। लेकिन अब इस स्थिति के बाद लोग उसको घर में रखेंगे क्योंकि उनकी अतिरिक्त आय होगी और ये सीधे प्रत्यक्ष लाभ होगा। अभी देखिए गोबर खाद बिक रहा है, कंडे बिक रहे हैं, दिए बिक रहे हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है गोबर खादु से, तो निश्चित तौर पर एक प्रयास है। और कहीं कुछ 19-20 कम है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे चंद्रशेखर भैया आए और वो तो बहुत बड़े किसान नेता है तो वो सुझाव दे, हम उसको पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर। और इस बड़ी चीज और, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये गोबर नहीं है, गोधन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा था मन की बात में कि ये गोबर नहीं है, गोधन है, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रयास करके इसको लागू कर दिया। बस बात इतनी सी है कि उनको हर बात का विरोध करना चाहिए, अन्यथा विरोध योजना है पूरे राष्ट्र के दिशा में। शुक्ला जी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक एक कथन से आप लोग प्रेरित हुए और उनके कथन से प्रेरित होकर जी प्रेरणा तो मिली आपको प्रधानमंत्री? उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने किया। हो सकता है, मैं चाहूंगा कि दिल को बड़ा करके पूरी भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त कर रही। ठीक है, और वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है राष्ट्रीय स्तर में कर रही। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है शुक्ला जी कि प्रधानमंत्री के कथन से आप लोगों ने इन्फ्लुएंस होकर कम से कम गोधन समझकर इस योजना की शुरुआत की है, तो आप भी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा करें। ये बीजेपी गांधी जी से प्रेरित हुए, सावरकर से नहीं प्रेरित हुए। चलिए प्रधानमंत्री जी गांधी जी से प्रेरित हुए हैं। ठीक ठीक, और दीनदयाल जी से भी नहीं प्रेरित हुए हैं। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी चीज है, प्रेरणा मिलनी चाहिए। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल यदि आप अनुमति दे तो। बिल्कुल साहू जी, जी जी, ये मेरा निवेदन ये है कि आप योजना के साथ पहले न्याय करिए, फिर बाद में किसानों के साथ न्याय की बात करिए। क्या कुल मिला के आप इतना हवा हवाई बात करते हैं? आप पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 21,000 गांव है, 20,722 गांव की संख्या, यदि मसाहती गांव और वन ग्राम को ले लेंगे तो 21,500 से ऊपर होता है। अब उसमें आप आंकड़े बता रहे हैं 2200 गौठान, आंकड़ा आधा प्रतिशत भी नहीं है। और उसमें आप कहेंगे हम ये है वो है, बरसात की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था, आप फील्ड का सर्वे तो करिए। अब मेरा कहना ये है कि आप इंडिपेंडेंट योजना का जो निष्पक्ष रूप से ऑडिट करवाइए, जैसे सोशल ऑडिट होता है ना, मनरेगा में एक प्रावधान है,
कि सोशल ऑडिट करवाते हैं, और सोशल ऑडिट करता है जो दोनों पक्षों से जुड़ा नहीं रहता, किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा रहता। आप उसका सोशल ऑडिट तो करवाइए, आप उससे सामने आएगी बात, और उसके बाद उस कमी को ढूंढिए। केवल आप ये प्रचार कर रहे हैं, अब उन्होंने केंद्र ने किया, हमने राज्य ने किया, आप अपने को खुदा का अवतार मत बताइए, ये मेरा निवेदन है। आप ऐसा करेंगे ना, केवल योजना नाम का रहेगा, प्रोपगेटिव रहेगा, समस्या हो जहाँ की तहाँ रहेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और आप कुल मिला के इस योजना बनने के पहले गांव वाले से पूछते क्या होता है, आप तो सीधे यहाँ से चालू होते हैं, टॉप टू बॉटम के बजाय बॉटम टू टॉप हो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय हमर गांव हमर योजना की शुरुआत की कि आप योजना वहां से चालू करिए। आप पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं, वहां अधिकारी राज चलता है, सीओ ने फरमान कर दिया, फलाने ने फरमान कर दिया, उसको लागू करो। अरे भाई, उनके गांव की अपनी प्राथमिकता है, पंचायत की अपनी प्राथमिकता है, उसकी अपनी स्वायत्तता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार से प्रोविजन है, और उस प्रोविजन को आप लागू नहीं करेंगे। हाँ। आप कहेंगे हम समिति में दूसरे को लोग रखो, एक पार्टी विशेष के लोगों को रखो। देखो, मैं फील्ड की बात बता रहा हूँ, फील्ड में एक चलता है कि वहां से निर्देश आता है कि आप जो गोठान समिति है उसमें एक एक खास पक्ष के लोगों को रखा जाए, उसको नहीं रखा जाए। ये जो समस्या है ना, इसको लिए व्यापक दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है। और शुक्ला जी पहले अपने दिल को खुला रखें, और शुक्ला जी के साथ अन्याय हुआ ये भी हमको मालूम है, लेकिन मैं वो व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहूंगा। कुल मिला के योजना के साथ पहले आप न्याय करिए, योजना में व्यापक सहमति बनाइए, योजना नीचे से चालू करिए और ऊपर तक ले जाइए, और ऊपर में आप एकदम फरमान कर देंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा हमारे सामने आपको जो सहयोग मिलना चाहिए, जो ताना बाना बनना चाहिए, वो मिलता नहीं है। ऐसा मेरा विनम्र आपसे निवेदन है। शुक्ला जी, चंपू भैया मोला भी बोलन दो, आपको तो शुक्ला जी, चंपू भैया मोला भी बोलन दे दो। शुक्ला जी, आप लोग को तो खुश होना चाहिए, पहले देखिए आप लोगों को तो खुशी का एक और मौका मिल गया, जहां पहले बीजेपी डायरेक्ट इनडायरेक्टली मनरेगा को तमाम चीजों को मतलब निष्क्रिय बताती थी, आज तारीफ कर रही है कि जिस तरह से वहां पे ऑडिट किया जाता है उस तरह से ऑडिट यहां भी किया जाए, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत मतलब अप्रिशिएट किया गया। और आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई देर ही सही, जब आए दुरुस्त आए, लेकिन अप्रिशिएट तो किया। आपके पास आऊंगी और सवाल का जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुख कर लेती हूँ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी का। मनोज जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता में आने से पहले और सरकार बनने के बाद पूरा फोकस किसानों पर रहा, किसानों के ही दम पे प्रदेश में सरकार बनती है, फिर कर्ज माफी होती है, धान पर 2500 रुपए समर्थन मूल्य देना, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, किसान न्याय योजना, रोका छेका अभियान, और अब जिस तरह से एक नई शुरुआत हो गई है, तो जो किसानों की आस है उस आस पर भूपेश सरकार खरी उतर रही है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि किसानों के दम पर सरकार बनी है, निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों के लिए घोषणाएं की थी कांग्रेस पार्टी ने, उस पर भारी बहुमत उनको मिला, 3/4 से ज्यादा बहुमत में सरकार बनी, और सरकार बनते ही कुछ अच्छे फैसले भी लिए, और जो घोषणा पत्र में जो बिंदु शामिल थे उस बिंदु के आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम भी किया, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना को जो है मिशन मोड में चलाया। हालांकि जो फिगर अभी जैसा कि चंद्रशेखर साहू जी बता रहे थे कि 20,000 गांव है, और 20,000 गांव में अभी केवल 2200 गांव ऐसे हैं, 2200 के आसपास वहां पर गौठान बन पाए हैं, और निर्माणाधीन जो है वो 2800 है। इस तरह से आने वाले कुछ महीने में गौठानों की संख्या 5,000 होगी। तो अभी 1.5-2 साल का लगभग कार्यकाल हुआ है भूपेश बघेल का, उसमें उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि पूरे 5 साल लग जाएंगे पूरे 20,000 ग्राम जो गांव है उनको कवर करने में। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें अब समझ में आ रही है, जो हम जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो कुछ एक बातें समझ में आती है। जैसा कि चंद्रशेखर साहू जी ने कहा कि विशेषज्ञ जो है, योजना तो निश्चित तौर पर योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, सभी योजनाएं जो जो नाम आपने गिनाया, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बारी हो, रोका छेकी हो, या अभी गोधन न्याय योजना है, बहुत ही
जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है और निश्चित तौर पर जिस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया गया उसके हिसाब से यदि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो तो निश्चित तौर पर गांव की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा, जैसा कि दुर्घटनाएं होती हैं, सड़कों पर आवारा पशु घूमते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे और सही सही में यदि लाभ मिलेगा, हालांकि एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है जो रेट तय करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके कंधों पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि रेट गोबर का क्या तय करते हैं और वो उससे किसान कितने प्रेरित होंगे। जैसा कि अभी गाँव में जो रेट चल रहा है वो ट्रैक्टर ट्राली के हिसाब से तय होता है, जो कि कुल मिलाकर देखने में आता है कि 8 आना या 1 रुपए किलो गोबर बिक रहा होता है। तो रासायनिक खादों में उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो रेट कम होते हैं, तो उसका भले ही कीमत ज्यादा हो लेकिन आप उपभोक्ता बाजारों में जाकर के जैविक उत्पाद मांगने लग गया है, तो वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो बड़ी उपयोगी गाँव के लिए होगी। और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना जो है बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक सवाल है, अब वो तय होने वाला है, हालांकि सवाल यह है कि वो कितने रुपए में गोबर खरीदेंगे और कितने रुपए में वर्मी कंपोस्ट खाद किसानों को वापस बेचेंगे, इसका अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज जी बता रहे थे कि 8 रुपए किलो से 8 आने से लेके 1 रुपए किलो तक गोबर इस समय दाम है, तो सरकार किस रेट पर किसानों से गोबर खरीदेगी और किस रेट पर उनको वर्मी कंपोस्ट खाद बेचेगी, इसका भी जो है ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि स्टडी में मैंने पढ़ा था कि जब हरित क्रांति हुई थी अग्निहोत्री की, तो उस वक्त क्योंकि देश में जब अन्न की कमी हो गई थी और हरित क्रांति का जब युग था, तब यूरिया को प्रमोट किया गया था और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लोन भी दिया गया था, तो वो यूरिया को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया गया था कि उससे लोगों को नुकसान तो हुआ है, तो जो पारंपरिक खेती से लोग हटे और फिर वो इस तरह की खेती पे उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, तो क्या एक बार फिर से ये कवायद की जा रही है कि नहीं उन्हीं पारंपरिक तरीकों से अब खेती करना चाहिए ताकि हम खुद को भी स्वस्थ रख सके? नहीं, देखिए, हरित क्रांति का जो मकसद था वो उत्पादन बढ़ाना था, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, न केवल देश की जो पूर्ति है उसको कर सके जरूरत की, और विदेशों को भी हम सप्लाई निर्यात कर सके, ये उसका उद्देश्य था उस समय। लेकिन अब जिस तरह से वापस हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग इस देश के, और वो जैविक उत्पाद ही खरीदना चाहते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो रासायनिक खादों की तुलना में जो ऑर्गेनिक जो खाद है वो ज्यादा पौष्टिक उत्पाद पैदा करती है, हालांकि उत्पादन कम होता है, लेकिन उसकी जरूरत है इस समय जैविक उत्पाद को बढ़ाने की। और ये गांवों की तरफ लौटती कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसका वर्कआउट कैसा होता है ये देखने वाली बात होगी। चंद्रशेखर साहू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1.5 साल कांग्रेस को प्रदेश में हो गया है और जिस तरह से, जिस प्रोमिनेंट तरीके से, जिन मुद्दों को भुनाना चाहिए था बतौर विपक्ष में बैठे हुए आप लोगों को, आप लोग भी कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहे हैं। इन 15 महीने के कार्यकाल में कोई ऐसा हमने बड़ा प्रदर्शन नहीं देखा, उससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हाँ, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही चल रही हैं, आप विपक्ष की भी उसमें सहमति है, इसलिए जिस तरह के प्रदर्शन हमने 15 साल में देखे, 2018 में देखे, 2017 में देखे, 16 में देखे, उस तरह का प्रदर्शन हमने बीजेपी की तरफ से नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं वो मौन सहमति भी लग रही है कि नहीं, यह सरकार जो योजनाएं संचालित कर रही है वो सही है। देखिए गौरी जी, जहां तक पॉलिटिकल विजन की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने विजन के साथ काम कर रही है। नीचे स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करना उन मुद्दों के लिए, खासकर केंद्र सरकार ने जो लॉन्च किया है समय समय पर, उनकी जो योजनाएं हैं उनको यदि गिनाएंगे तो लगभग 80-90 योजनाएं होती है, और उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जिस रूप में इस प्रदेश में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो इसको लिए हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। अब जब कार्यकर्ता पूरी तरीके से सेंसिटाइज होंगे तो हम सामने आएंगे। आज कोरोना कालखंड है, अब हम ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हम ही कहेंगे कि 50 लोग वहां जुलूस निकाले, तो ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वों के लिए और अपने लक्ष्यों के लिए सचेत है, सजग है, और इस नाते भी
छत्तीसगढ़ के जनता को अपने साथ लेने के लिए हर प्रकार से जमीन स्तर पर प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस सरकार आत्मुग्ध है और अच्छी बात है आत्मुग्ध रहे, लेकिन रियल में क्या हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे शराबबंदी से लेकर आ रहे हैं। ये सरकार का एक प्रकार से हठधर्मिता और सरकार जो अपने वादा खिलाफी किया है वो लोगों तक जा रहा है, और समय आने पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात को जनता के साथ रखेगी, ये मेरा निवेदन है। एग्री कर रही हूँ साहू जी, सरकार ने वादा खिलाफी की, जनता वो वादा भी पूछती है कि भाई अच्छे दिन कब आएंगे और 15 लाख खातों में कब आएंगे, ये भी पूछती है। शुक्ला जी, क्योंकि वक्त ये देखिए 15 लाख की बात तो बहुत शगुफा वाली बात है, और ये तो आप कह सकते हैं शगुफा, आप तो कह सकते हैं क्योंकि 2014 का वक्त अब निकल गया है, भाजपा की आदत है, मैं कह नहीं सकता हूँ सही बात है, ये केवल कुछ लोगों के द्वारा प्रचारित विषय है। सार्वजनिक रूप से कहा है, ठीक है नहीं मानेंगे साहू जी, नहीं मानेंगे शुक्ला जी, साहू जी नहीं मानेंगे, आपका कंक्लूजन मानने नहीं मानने का सवाल ही नहीं, अरे कहाँ है भाई आप, तो ये सब चीजों को अद्भुत योजना है भारतीय जनता पार्टी को, चंद्रशेखर भैया अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात को हम केवल अकेले सरकार के भरोसे दुरुस्त नहीं कर सकते, ये मेरा कहना। देखिए जो पॉइंट है मेरा गौरी जी, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल सरकार के भरोसे आप दुरुस्त नहीं कर सकते, तो पंचायत सिर्फ 9,900 है, और यदि 5,000 भी गोठान बन गए तो हर दो गांव के बीच मैंने पंचायत 11,300 है, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, 11,300 पंचायत पिछले बार 10,000 पंचायत, 1,150 पंचायत बढ़ी है, अभी जो चुनाव हुआ है उसमें 1,100 पंचायत बढ़ी है। बिल्कुल शुक्ला जी, चलते चलते मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, सरकार अभी गोबर खरीद रही है, गौमूत्र कब से खरीदेगी? जी निश्चित तौर पर, जैसे आपने पहले कहा था कि नरवा गरवा गुआ बारी हमारी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम गोबर भी खरीदेंगे, गौमूत्र भी खरीदेंगे, और हमारे चंद्रशेखर भैया स्वयं खरीदेंगे, ठीक है, बेचेंगे भी और खरीदेंगे भी, देखेंगे सब देखेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होंगी बघेल साहब आपसे? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है, और जिस तरह से उनका उत्साह था, और उन्होंने बताया कि इसके लिए बाकायदा जो पूरी तैयारी है, दो बड़ी कमेटी बनाई है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जो पूरे इसके वित्तीय प्रबंधन की चीजों को देखेगी, कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है, लेकिन वही है, बार बार हम सवाल यही उठाते हैं कि इसका क्रियान्वयन किस तरह से होता है, और यदि इसका सही तरीके से क्रियान्वयन होता है, इसमें जो कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है और उसी तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाता है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार गोबर खरीदने जा रही है, तो इसका क्रियान्वयन यदि अच्छे से हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेंगे। जी बहुत संक्षेप में अभिनेत्री जी, वही बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उस समय शायद लिंक कट गया था, लेकिन कितने रुपए कीमत वो ठीक है तय होने वाला है, कितने रुपए में गोबर खरीदा जाएगा और कितने रुपए में किसान को वापस वर्मी कंपोस्ट खाद दी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बताया मैंने आपको, बताया अग्निहोत्री जी 5 से 8 रुपए तक प्रति किलो खरीदा जाएगा, और जितना पैसा मिलेगा वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि से कई गुना ज्यादा होगा। ठीक है, आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसमें कितना आप लोगों को विपक्ष का भी सहयोग मिलता है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर साहू जी, आप चर्चा में शामिल हुए, चंद्रशेखर शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मनोज सिंह बघेल जी आप भी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया, केके जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले और सरकार बनाने के बाद
पूरा फोकस किसानों पर रहा है। कर्ज माफी हो या धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य देना, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना हो या किसान न्याय योजना या फिर रोका छेका अभियान, भूपेश सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। वहीं अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के मकसद से छत्तीसगढ़ सरकार गौधन न्याय योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई को हरेली त्योहार के मौके पर होगी। बहरहाल अब देखना यह है कि पशुपालन को लाभदायक धंधा बनाने की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम कितना कारगर सिद्ध होता है। कैसे पशुपालन करने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे या फिर विपक्ष के आरोप सही साबित होते हैं, चलिए फिलहाल रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा है और सत्ता के संग्राम में आज हम आपको अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र लेकर चलेंगे और जानेंगे क्या है यहां के मौजूदा सियासी हालात।